I got a question on my page a few days ago, and somebody was asking me he had a symptom, a problem. He says that my hands and legs starts shaking when I have to make a public appearance and I have to, deliver a speech. And since I have to deliver a speech off and on, तो कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हल हो जाए. अस्सलाम वालेकुम, चुमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स. सो लेट्स जस्ट डिग इनटू दिस थिंग. हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, आप बात नहीं कर सकते, जुबान लड़खड़ा जाती है, क्या करें? आपको स्पीच डिलीवर करनी है, सामने 100, 200, 2000, 2000 बंदा बैठा है और आपको बोलना है, तो आप कैसे करेंगे? लेट मी जस्ट गिव यू की पॉइंट्स, उसके बाद डिटेल में आते हैं. सबसे पहले तो ये है कि आप ये सोचिए, जब आप स्टेज पे खड़े हुए हैं तो आप ये सोचिए कि मैं सबसे अकलमंद इंसान हूं और इन सबको कुछ नहीं पता, इनको मुझे समझाना है. तो आपका दिमाग खुद ही थोड़ा ईज में आ जाएगा, क्योंकि जब इंसान कंट्रोल पोजिशन में होता है तो वो ईजी हो जाता है उसके लिए बात करना. दूसरा ये है कि आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कीजिए. अक्सर ऐसे होता है कि जब पैनिक वहां से आती है जब आप आई कॉन्टैक्ट करते, डोंट डू आई कॉन्टैक्ट. नंबर थ्री, अब आपको देखना तो है उनकी तरफ से, वॉट टू डू. वॉट यू डू इज दैट यू लुक एट द लास्ट, और अगर ज्यादा लोग हैं तो ऐसे करके देखें कि जहां पे आगे जाके थोड़ा अंधेरा हो रहा है या दूर जा रहे, उनमें उस तरफ जाके आई कांटेक्ट ना करिए. वो लगेगा ऐसे ही कि जैसे आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, यू आर लुकिंग एट समबडी बट यू आर लुकिंग एट नोबडी. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि अल्लाह की एक हजरत मूसा अलैहि सलाम, सॉरी हजरत मूसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ने भेजा था फिरौन के पास, तो उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की थी. और वो दुआ जो है कि अल्लाह मियाँ मेरा सीना खोल दे, ओ लॉर्ड एक्सपैंड माई चेस्ट फॉर मी एंड ईज माई टास्क फॉर मी एंड लूज अ नॉट इन माई टंग दैट दे मे अंडरस्टैंड माई सेइंग. ये 20वें पारे की 25वीं आयत है. तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी क्योंकि उनकी जुबान में लुगत थी. मैं जनाब डॉक्टर जाकिर नायक की देख रही थी, उनकी शुरू शुरू की जो तकरीर है उन्होंने उसमें अपना एक्सप्लेन किया हुआ. ही ऑल्सो हैड, वो भी स्टटर करते थे, तो वो भी ये दुआ आपने देखा होगा जब भी वो अपने बोलते, या कोई भी आलिम जब अपनी शुरू करता है तो वो सबसे पहले ये दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पढ़ के शुरू करता है. अल्लाह से मदद मांगिए, दैट इज द बेस्ट हेल्प एनीबडी कैन हैव. द मेन थिंग इज दैट जब आप लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं तो अपना दिमाग जो है उसको बिल्कुल सुकून में ले आइए, और पॉइंट्स जो हैं उनको जॉट डाउन कर लीजिए, जो आपकी तकरीर के, जो आपके, जो भी आपने कन्वे करना है उसके जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उनको या जॉट डाउन कर लें या हाईलाइट कर लें. तो होता यह है कि एक्चुअली आपको, अब आपके सामने जैसे ये सारा का सारा पड़ा हुआ है, अब आपने ये सारे का सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसमें आपको जो की पॉइंट है, आपने पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो आपने देखा और आपको पूरा पैराग्राफ की याद आ गई कि ये था, तो वो की पॉइंट पढ़ लें और वो उस पर बात करना शुरू कर दे. और भी के साथ कभी भी किसी के ऊपर डायरेक्ट किसी को ना देखे. एक तो उससे ये होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. दूसरा ये है कि अगर आपका आई कांटेक्ट हो जाए किसी के साथ, तो जिसके साथ आपका आई कांटेक्ट होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है. इसलिए आई कांटेक्ट कभी मत कीजिए. लेकिन आई कांटेक्ट करना भी होता है, इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि दूर दराज आखिरी नशिस्त को, या अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे पीछे जो लोग बैठे हुए उनकी तरफ देख के बोलना शुरू कर दे, तो लोगों को लगेगा जैसे आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन आई कांटेक्ट आप नहीं कर रहे होते हैं. तीसरा ये भी है कि आप कोशिश कीजिए अपनी जो भी आप स्पीच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत, थोड़ा मजाक तो नहीं लेकिन लाइटर टोन जरूर डाल लीजिए, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर्स में भी अगर आप लाइटर टोन डाल लेंगे तो वो कन्वे करना आसान हो जाता है. आई होप दिस हैज हेल्प्ड. टिल देन, चिमन परदेसी, मेडिटेशन शुरू.